देखो क्वेश्चन है जेई मेंस 2002 का। क्वेश्चन कह रहा है कि एल एम और एन जो है वो पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म ऑफ जी पी है, और ये आपका डिटर्मिनेंट की एंट्रीज है और उसका वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं और ना ही कन्वेंशनल अप्रोच लगाना। एक कोई जीपी का सीक्वेंस ले लो, आप जानते हो कोई नंबर से में ले लें एंट्रीज, तब वो एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, एचपी में भी। हम आसान बनाने के लिए ले लेते हैं 1 1 1, ये आपस में जीपी में ही है। ठीक है, ये आपका कौन सा है एल एम और एन, ये कौन सा टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ, ये जीपी सीक्वेंस में है। आपका एल ये है, एम ये है और एन ये है, लेकिन पी आपका अलग अलग है, क्यू और आर। भाई ये आपका जीपी में सीक्वेंस है 1 1 1, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हमने मान लिया ये। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें एंट्रीज, लॉग एल लॉग वन आ जाएगा, ठीक है, जीरो। पी पी कितना है, पी आपका है 1 और 1, फिर लॉग एम, एम कितना है जीरो, क्यू कितना है 2 और 1, फिर सिमिलरली लॉग एन कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना 3 और ये कितना 1। अब आप देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक कॉलम के सारे एंट्रीज जीरो हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसका हमने वीक पॉइंट टच किया और उसके बाद तुरंत आंसर आसानी से दे दिया।